सुधोज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सैंडविच कैसे बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है बच्चों के टिफिन के लिए और सुबह नाश्ते में भी अच्छी लगती है। चलिए मैं आपको बताना सिखाऊंगी। मैंने उबले हुए आलू लिए, इनके छिकल निकालूंगी मैं। अच्छे से मैच करूंगी आलूओं को मैं। मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, ये हरी मिर्ची ली है मैंने, ये सौंफ ली है एक बड़े चम्मच, हरा धनिया लिया है, भुना हुआ जीरा लिया है मैंने और धनिया पाउडर लिया है और लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने और स्वाद अनुसार नमक लिया है। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपन बेसन पकौड़े के लिए बेसन तैयार करेंगे, इसका डो तैयार करेंगे। ये मैंने 100 ग्राम के लगभग बेसन लिया है, इसमें जीरा डालूंगी मैं एक चम्मच और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी मैं और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। इसका डो इसका वेटर में न पतला न गाढ़ा बीच का करना है क्योंकि पकौड़े के लिए बना रहे हैं। ये मैंने ब्रेड लिया है, छोटे साइज की है ब्रेड। ये मैंने बैटर तैयार किया था मैंने आलूओं का, इसको अच्छे से चिपका देंगे और ऊपर से ब्रेड को भी चिपका देंगे और अच्छे बेसन में डिप कर लेंगे। इस तरीके से ब्रेड बनके पकोड़े बनके तैयार हो जाते। अच्छे से इनको फ्राई करेंगे। ये सारी ब्रेड इस तरीके से ही करना है, इस तरीके से बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैं कढ़ाई लूंगी, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूं, ज्यादा नहीं डालना है। अच्छे से फ्राई करूंगी मैं इनको, गोल्डन ब्राउन तक करेंगे अपन इसको। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसको निकालूंगी मैं। अब मैं प्लेटिंग करूंगी मैं। इस तरीके से मैंने प्लेटिंग भी कर ली है, इस तरीके बीच में मैंने काट लिया। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल।